ओम स्टिचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉन्ग स्कर्ट बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे। अब ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में हो गया है। यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग लेके उसमें 1.5 इंच की लूजिंग जोड़ देंगे। तो कमर का नाप है 32 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 1.5 इंच की हम इसमें लूजिंग जोड़ देंगे तो हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसको हम इधर की साइड से ऐसे देख लेंगे, ये हमारा 12.5 इंच पे ये निशान इधर की साइड में आ रहा है। तो इधर की साइड भी हम 12.5 इंच पर ही इस निशान को ऐसे लगा देंगे। अब हम गोलाई में 12.5 इंच पे ऐसे निशान लगाते जाएंगे। अब इसको हम नाप लेंगे, ये हमारा 0.5 इंच इधर की साइड में और बढ़ गया है। तो इस निशान से ऊपर की साइड में हम गोलाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे गोलाई करी है ऐसे ही हम इस निशान से 0.5 इंच ऊपर की साइड में गोलाई करेंगे। अब हम इसको नापेंगे। अब ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। अब इस ऊपर वाले निशान से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। स्कर्ट की तैयार लंबाई चाहिए हमें 37 इंच। इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे तो हम इसकी लंबाई 37 इंच ही कट करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच की ऊपर की साइड में बेल्ट लग जाएगी तो हमारी जो स्कर्ट तैयार होगी वो 37 इंच की हो जाएगी। इसमें ही हमें 1.5 इंच का मार्जिन मिल जाएगा। अब इंची टेप को हम ऐसे रखते हुए 37 इंच पर निशान लगाते जाएंगे गोलाई में। इस जगह पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस जगह पे जॉइंट आएगा। अब हम इस निशान से और इस निशान से कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इस जगह पर जॉइंट करने के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो ये मैंने बचे हुए कपड़े को लिया है, ये डबल है। इस डबल कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, 0.5 इंच ऊपर की साइड में इसको हम ऐसे चढ़ा के रखेंगे। अब हम इंची टेप को ऐसे रख देंगे, जैसे हमने पहले निशान लगाया है 37 इंच पे ऐसे ही निशान लगाते जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको पहले यहाँ से जॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद इसमें हम जॉइंट कर देंगे इसको। मैंने इस कोने पे कपड़ा जॉइंट कर दिया है और इसके ऊपर प्रेस लगा दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। अब हम इसका ऐसे नाप लेंगे, हमारा ये 19.5 इंच आ रहा है तो हम 19.5 इंच की बेल्ट कट कर लेंगे। ये डबल है, डबल में इस कपड़े की लंबाई हम 20 इंच रखेंगे क्योंकि एक साइड से ये जॉइंट होगा। कपड़े की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। 20 इंच लंबी इस डबल कपड़े में, 20 इंच लंबाई में और 4 इंच चौड़ाई में हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेंगे।
अब एक साइड से इस कपड़े को हम जॉइंट कर लेंगे। इन पट्टियों को मैंने जोड़ दिया है, अब हम बेल्ट लगाएंगे। इस पट्टी को मैंने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे, इसको हम सीधी साइड से रख लेंगे। अगर आपकी पट्टी कम पड़ जाए तो उसमें आप पट्टी जोड़ लें। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, तो इसको मैंने आगे की साइड में निकाल लिया है। अब इसको हम आधा इंच फोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको 1.5 इंच और फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे रख के और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने 25 इंच लंबी इलास्टिक ली है, इसको हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें डाल देंगे। इस जगह पे सिलाई लगा के हम इस रबड़ को रोक देंगे इसी जगह पे। इस साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम दोनों साइड को ऐसे पकड़ लेंगे और इसको मैंने उल्टी साइड से रख लिया है। इनको ऐसे रख के और नीचे तक हम सिलाई लगा के इसको जोड़ देंगे। अब हम नीचे की साइड से घेरा को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस घेरा को हम डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। घेरा पर सिलाई के बाद हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगाएंगे, तो हम इलास्टिक को ऐसे कर लेंगे जिससे कि इलास्टिक के ऊपर कपड़ा बराबर हो जाए। हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर। मैंने इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा दी है। अब हमारी स्कर्ट बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।